बॉयज लॉकर रूम देश में काफी हद तक ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच हैशटैग गर्ल्स लॉकर रूम भी अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बॉयज लॉकर रूम के बाद अब कथित तौर पर गर्ल्स लॉकर रूम चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग गर्ल्स लॉकर रूम टॉप ट्रेंड में है। इंस्टाग्राम ग्रुप चैट जिसे बॉयज लॉकर रूम कहा जा रहा था, उसमें गैंगरेप की साजिश रचने की बातचीत को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे में अब लोग ट्विटर के जरिए गर्ल्स लॉकर रूम चैट सामने आने के बाद ऐसी लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गर्ल्स लॉकर रूम के कथित तौर पर जो चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें लड़कियां लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर अश्लील बातें और टिप्पणियां करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि यह ग्रुप चैट कथित तौर पर कुछ महिलाओं द्वारा केवल लड़कियों के लिए संचालित किया जाता है। इस गर्ल्स लॉकर रूम में कथित तौर पर पुरुषों के बारे में अपमानजनक बातें की जाती हैं। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सोशल मीडिया चैट समूह के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं, जहां लड़कियां पुरुषों को लेकर अश्लील बातें कर रही थीं। महिलाओं के ग्रुप चैट स्क्रीनशॉट में कथित रूप से सिर्फ पुरुषों की आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, जहां वो पुरुषों के निजी अंग को लेकर टिप्पणियां कर रही हैं और कमेंट्स पास कर रही हैं। आपको बता दें, बॉयज लॉकर रूम दिल्ली के टीनेज स्टूडेंट्स का एक इंस्टाग्राम ग्रुप है। यह ग्रुप टीनेज लड़कियों की अभद्र फोटो अपलोड करता है। ग्रुप में मौजूद स्कूली लड़के ग्रुप की लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करते हैं। जो तस्वीरें वो ग्रुप में शेयर करते हैं वो काफ़ी एडिटेड होती हैं। लड़कियों के फोटो पर गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। उनके बॉडी को लेकर उनके हर पार्ट पर अश्लील टिप्पणियाँ ये लड़के करते हैं। इस बीच ग्रुप चैट पर गैंग रेप की भी प्लानिंग की जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस लॉकर रूम के बारे में लोग जान रहे हैं, उस ग्रुप में लड़कियाँ भी शामिल थीं। खैर, इस लॉकर रूम के बारे में आपकी क्या राय है, ये तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।